जयपुर में रसद विभाग की फाइलें लेकर भागे बंदर। ऑफिस में करीब एक घंटे तक जमकर मचा उत्पात। खिड़की से नीचे फेंके दस्तावेज, डंडा लेकर पीछे दौड़े कर्मचारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान। जयपुर में बंदरों का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बुधवार सुबह शहर के कलेक्टर सर्किल स्थित रसद विभाग के कार्यालय में बंदर घुस गए हैं। उन्होंने करीब एक घंटे तक जमकर उत्पात मचाया और वहां रखी फाइलों को बाहर फेंकने लगे। इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों ने बंदरों को भगाने की भी कोशिश की, लेकिन बंदर काबू में नहीं आए और रसद कार्यालय में रखे दस्तावेज लेकर भाग निकले। बनीपार कलेक्ट्रेट में तैनात वकील ग्यार सिंह लाल मीणा ने बताया कि रसद विभाग के कार्यालय में ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार बंदर रसद विभाग के साथ जिला कलेक्टर और जिला परिषद कार्यालय में पहुंच उत्पात मचा चुके हैं। इस दौरान दो बार बंदर आम आदमियों पर भी हमला कर चुके हैं। बावजूद इसके अब तक बंदरों के आतंक को रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। इसकी वजह से अब कलेक्टर और रसद विभाग में आने वाले अधिकारी कर्मचारी भी खौफ में रहते हैं। रसद विभाग के अधिकारी ने बताया कि पहली मंजिल बने विभाग के कक्ष में खिड़की का कांच टूटा हुआ था। इसकी वजह से बंदर कार्यालय के अंदर घुस गए और वहां से रखे दस्तावेज लेकर भागने लगे। इस दौरान वहां मौजूद सफाई कर्मचारियों ने बंदरों को भगाने की भी कोशिश की। टूटे हुए कांच को भी जल्द दुरुस्त कराया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। जय हिंद।